आज हम बना रहे हैं कमल ककड़ी चॉपस्टिक्स। ये विनिंग रेसिपी है डॉक्टर संगीता गेरा की। कमल ककड़ी चॉपस्टिक्स बनाने के लिए हमें चाहिए कसी हुई कमल ककड़ी, कसा हुआ प्याज, कसा हुआ आलू, अदरक, ब्रेड स्लाइसेस, हरा धनिया, आमचूर पाउडर, गरम मसाला, हरी मिर्च, मैदा, कड़ी पत्ता, नमक। कमल ककड़ी के चॉपस्टिक्स बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सर जार में हम लेंगे हरा धनिया, इसके साथ लेंगे हम हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक और करी पत्ता। इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे और इसे पीस लेंगे। कमल ककड़ी चॉपस्टिक्स का मिक्सचर बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बोल में हम ब्रेड के छोटे टुकड़े कर लेंगे और इसमें मिलाएंगे थोड़ा मैदा। अभी इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका आटा गूंद लेंगे। अब हम इसमें मिलाएंगे कसा हुआ आलू, इसे हम थोड़ा निचोड़ लेंगे। अगर इसमें पानी रह गया तो पकाने के समय यह मिक्सचर फट सकता है, इसलिए पानी निकालना ज़रूरी है। अब हम इसमें डालेंगे कसी हुई कमल ककड़ी और थोड़ा सा कसा हुआ प्याज। अब इसमें हम डालेंगे पीसा हुआ हरा मसाला। अब हम इसमें डालेंगे आमचूर पाउडर, गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा नमक। और अब हम इसे आटे की तरह गूंद लेंगे। अब हमारा ये मिक्सचर तैयार है। हाथ में थोड़ा सा तेल लगा के इसे कैंडी स्टिक्स पे डाल के चॉपस्टिक्स बना लेंगे। कुछ इस तरह से हम और चॉपस्टिक्स बना लेंगे। अब फ्राइंग के लिए तेल भी गर्म हो चुका है, हम इन चॉपस्टिक्स को तेल में डाल देते हैं। ये चॉपस्टिक्स अब फ्राई हो चुके हैं, इन्हें हम तेल से निकाल लेते हैं और प्लेट कर लेते हैं।